हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं जो ईरानी तीतर है और दक्षिणी तीतर है और देसी तीतर के बारे में हैंड टैम कैसे करें। तो भाई लोग आप मान ही नहीं रहे थे हैंड टैम करने के लिए, भाई क्या करें। तो मैं इसलिए न्यू वीडियो बना के लाया हूँ। क्या है? जो दक्षिणी तीतर है और ईरानी तीतर, उसको 10 मिनट भी दिन में टाइम देंगे तो वो हैंड टैम रह आते हैं। और जैसे कि आप 2 से 3 घंटे भी दे सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं इसको हैंड फीडिंग कराता हूँ, मगर मेरे नहीं है ये तीतर, जो मेरे भाई है उसके तीतर हैं, मतलब घर में ही रहता। तो देसी तीतर जो देखा गया है भाई, बहुत ज़्यादा हैंड टाइम करने के लिए भाई उसको 1 घंटा डेली देना पड़ता है। मतलब जो देसी तीतर है उसको टाइम देना ही पड़ेगा। दक्षिणी और ईरानी तीतर अपना ऐसा रहता भाई, वो भगता नहीं है, बिल्कुल भी डरता नहीं है। क्या जो उसकी साइज़ बड़ी रहती है और वो मासूम रहता है। क्या अपने घर से बच्चे निकले हुए हैं और ब्रीड घर से है, तो भाई वो जो भी आदमी रहता है किसी से भी नहीं डरते हैं, बस थोड़ा बहुत पक्षी अच्छी वगैरह से डर जाते हैं। और बोलने में तो भाई कोई कमी नहीं लेते, सीटी से बिल्कुल लग जाते हैं बिल्कुल आराम से। आपको जो देसी तीतर है उसको भाई हैंड फीड कराना ज़रूरी है। क्या उसको कीटाणु ज़्यादा पसंद है और दीमक तो बहुत ही ज़्यादा। अगर आप दीमक देख सकते हैं तो आपका देसी तीतर बहुत हैंड टाइम रहेगा। आप पास में ही दीमक दें, जितना हो सके हाथ से दें। और कीड़े वगैरह जितना भी खिलाएंगे आप, टिड्डे वगैरह, तो आपका देसी तीतर उतना ही हैंड टाइम रहेगा। देसी तीतर को सीटी पर लगाने के लिए भी कल मैं एक आवाज़ लेके आया हूँ, तो आप वो दे सकते हैं, मैंने अभी डाल दिए। आप वो सुनाएं बिल्कुल धीमी आवाज़ में और आपके देसी तीतर को बुलाएं तो बोलना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या है, तीतर का जो सीज़न है चिक्स निकलना वो ख़त्म हो गया है। जैसे ये हमने न्यू मादी लगाई थी इसके साथ, तो भाई ये लग चुकी है फुल पेयर के साथ। आपने आवाज़ सुनी ली होगी अब भी, और नहीं सुनी तो नेक्स्ट वीडियो देख लें।